हेलो एवरीवन सो इस वीडियो में हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है वीएलएसएम वीएलएसएम स्टैंड फॉर वेरिएबल वी एल एस एम का मतलब है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क राइट सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है हम लोगों ने आईपी एड्रेसेस देखे क्लासफुल आईपी एड्रेसेस का मतलब देखा मतलब आपके आईपी एड्रेसेस कोई ना कोई क्लास से बिलोंग करते हैं राइट सो उसका मीनिंग था क्लासफुल एड्रेसिंग तो इस वजह से हम लोगों ने तीन क्लासेस देखे थे क्लास ए एड्रेसेस, जिसका सबनेट मास्क था 255.0.0.0 और इसका सबनेट मास्क का लेंथ था स्लैश एट वॉट इज लेंथ ऑफ सबनेट मास्क इफ यू कन्वर्ट यूर सबनेट मास्क इंटू बाइनरी और उस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जितने भी नंबर ऑफ वंस होंगे ज योअर लेंथ ऑफ द सबनेट मास्क क्लास बी का आई पी एड्रेस था तो उसके लिए सबनेट मास्क था टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट जीरो डॉट जीरो स्लैश सिक्सटीन राइट दैट मीन्स आपके नंबर ऑफ वन कितने है? अगर हम लोग टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट जीरो डॉट जीरो नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वी विल्सटीन नंबर ऑफ वन और अगर हम लोग क्लास सी के बारे में बात करते हैं तो आपका सबनेट मास्क होगा टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट जीरो सो हाउ मेनी नंबर ऑफ वन देयर इन सबनेट मास्क इट विल बी स्लैश ट्वेंटी फोर राइट तो ये कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेबल था क्लासफुल एड्रेसिंग में क्लासफुल राइट दैट मीन्स आपके क्लासफुल एड्रेसेस में सिर्फ तीन ही सबनेट मास्क पॉसिबल है कोई भी आईपी एड्रेस हो आइदर वो आईपी एड्रेस क्लास ए का होगा क्लास बी का होगा या क्लास सी का होगा राइट दैट लेंथ ऑफ सबनेट मास्क इन एड्रेसिंग आइदर इट इज स्लैश एट और इट इज स्लैश और इट इज स्लैश ट्वेंटी फोर तो ये नंबर क्या इंडिकेट करता है कि क्लास ए में हम लोगों के पास टू टू पावर ऑफ एट नंबर ऑफ नेटवर्क हो सकते हैं क्लास बी इंडिकेट करता है स्लैश सिक्सटीन राइट सो स्लैश स्लैश्सिक्सटीन का मीनिंग है हमारे पास टू टू पावर ऑफ सिक्स नंबर ऑफ नेटवर्क हो सकते हैं और है स्लैश है। ट्वेंटी okay? so और प्रीफिक्स नोटेशन हमें बताता है कि कितने कितनेक्स पॉसिबल हो सकते हैं तो बेसिकली पॉइंट कि क्लासफुल एड्रेसिंग में आपके पास तीन ही सबनेट मास्क है जिनके

एज देर आर नो क्लासेस इसीलिए उसको बोला है क्लासलेस तो इसमें आपका स्लैश एट स्लैश सिक्सटीन स्लैश ट्वेंटी फोर ये तो सबनेट मास के length रहने ही वाले है बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका सबनेट मास का लेंथ कुछ भी हो सकता है रेंजिंग फ्रॉम वन टू थर्टी वन ये आपका नंबर आ सकता है और इसीलिए क्लासलेस एड्रेसिंग में जो सबनेटिंग का लेंथ आता है इसे कहते हैं वी एल एस एम VLSM, जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे वेरिएबल ये फिक्स है slash 8 fixed है slash 16 fixed है slash 24 fixed है इसके अलावा आपका subnet mask का length कभी नहीं आएगा क्लासफुल में बट क्लासलेस में क्या होता है क्लासलेस में क्लास ए बी सी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सो so आपका सबनेट मास्क सिर्फ स्लैश स्लैश सिक्सटीन स्लैश ट्वेंटी फोर नहीं रहेगा इट कैन बी एनी नंबर एक कॉन्सेप्ट आता है लॉन्ग फॉर्म okay? है वेरिएबल लेंथ वेरिएबल्थ का मतलब क्या है सबनेट मास्क नाव इट विल नॉट बी फिक्स लाइक क्लासफुल एड्रेसिंग वो नंबर बदल सकता है एंड दैट नंबर कैन बी एनी नंबर फ्रॉम वन टू थर्टी वन मतलब वो प्रीफिक्स लेंथ लेंथ आपका ऑफ़ एप्लीकेबल so right? so नहीं है इट इज एप्लीकेबल इन क्लासलेस एड्रेसिंग जहां पे क्लास ए बी सी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सो so आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते है और उस एग्जाम्पल से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होता है और क्लासलेस एड्रेसिंग क्या होता है सो लेट्स टेक वन नंबर क्लासफुल में क्या होगा अगर आपका क्लासफुल एड्रेसिंग होगा तो डेफिनेटली वी कैन क्लियरली से फर्स्ट डेसिमल नंबर इज इन द रेंज जीरो टू वन ट्वेंटी सेवन इसीलिए क्लास ए का आईपी एड्रेस है और क्लास ए के लिए आपका सबनेट मास्क है 255.0.0.0 और आपका प्रीफिक्स लेंथ आएगा स्लैश एट राइट बट एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस क्लास लिस्ट में क्या आएगा सो so, अगर यही आई एड्रेस आपका क्लास लेस में आता है तो यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्लास ए क्लास बी क्लास सी तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि मतलब क्लास है ही नहीं वहां पे तो आप बोल ही नहीं सकते ये क्लास ए बी है सी है बिकॉज इट्स अ क्लासलेस और आपका सबनेट मास्क अभी यहां पे आपका 255.0.0.0 नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रीफिक्स लेंथ क्या है अगर मैं लिखता हूं प्रीफिक्स लेंथ 10 है यहां पे 8 था जो कि फिक्स था बिकॉज 255.0.0.0 में देर आर 8 नंबर ऑफ वन राइट अगर मैं इसको बाइनरी में लिखता हूं सो इट विल बी लाइक दिस डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो सो हाउ मेनी नंबर ऑफ वन एट सो इसीलिए था slash 8. But यहां पे आपका रहने वाला है. और इसीलिए हम लोगों ने बोला था वी एल एस एन तो ये number 1 से लेके थर्टी वन तक कोई भी नंबर हो सकता है लेट्स से टेन तो इस टेन से आपको सबनेट मास्क कैलकुलेट करना है दैट मींस योर सबनेट मास्क नंबर ऑफ वन सेवन एट डॉट वन टू इफ यू काउंट दिस नंबर ऑफ वन आर दे आर टेन और इसके बाद आएगा आपका जीरो रिमेनिंग ट्वेंटी टू थर्टी टू बिट का आपका आईपी एड्रेस है अगर आपका प्रिफिक्स टेन है सो थर्टी टू माइनस टेन सो ट्वेंटी टू नंबर ऑफ जीरो सो दिस इज एट दिस इज एट दिस इज एट एंड दिस इज एट सो टोटल इज थर्टी टू आउट ऑफ दिस थर्टी टू बिट्स slash 10 that means left to right first 10 bits we have marked them as 1 this is the meaning of your length of the subnet mask और अगर हम लोग इसको decimal में convert करते हैं तो आपका subnet mask का length आएगा और subnet mask का value आएगा 255.192.0.0 यह है आपका subnet mask in decimal और यह सिर्फ VLSM में ही possible है या फिर यह सिर्फ classless में ही possible है कॉन्सेप्ट क्लास फुल में एप्लीकेबल नहीं है क्लास फुल में आपके तीन ही सबनेट मास्क आते हैं टू फिफ्टी फाइव डॉट जीरो डॉट जीरो जीरो बट क्लासलेस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्लास ए क्लास बी क्लास सी इसीलिए आपका लेंथ जो है सबनेट मास्क का इट कैन बी एनी नंबर बिटवीन वन टू थर्टी वन तो क्लासलेस एड्रेसिंग में आपको अगर सबनेट मास्क का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको लगेगा प्रीफिक्स वैल्यू सो वॉट एवर इज दिस नंबर राइट दोज मेनी नंबर ऑफ वंस एंड एट एवरी एट बिट पोजिशन यू हैव टू मार्क डॉट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर एवरी एट बिट्स यू हैव टू मार्क डॉट ओके so first eights are covered then two ones now your 10 is covered and 32 minus 10 which is 22 so you have to write remaining 22 bits as 0 and then convert it to decimal so your subnet mask value will be 255.192.0.0 .0 .0 if your prefix length is slash 10 okay then what if your prefix length is slash 12 how to convert this value into subnet mask value so simple you have 32 bits so slash 12 means first 12 bits left to right you have to mark them as 1. so once you are 8 bits are covered mark dot again 12 so 1 2 3 4 8 plus 4 12 number of ones are completed remaining 20 bits will be 0. so here it will come 0 and again you will have 8 number of zeros and then last eight zeros so eight eight and this four so you have 20 number of zeros and 12 number of ones so what is the value of the subnet mask so this is 255 dot this will be uh, 128 64 32 and 16 so it will come 240 dot 0 dot 0 okay so this will be the value of your subnet mask so your subnet mask is not always 255.0.0.0 or it will not be having number every time 255 it can be any number but it totally depends on length of your subnet mask and in classless addressing in vlsm variable length subnet mask this length of the subnet mask can be any number between 1 to 31 zero will never come it will be always 1 to 31 zero means you can have only two networks right if you keep length of the subnet mask as slash 0 that means you will have only one network because 2 to the power of 0 is equal to 1 so you will have only one network and that is not possible so that's why length of the subnet mask in case of classless addressing will be between 1 to 31 so this is vlsm so if you have any question regarding vlsm and as well as classful, we have seen the difference between classful and classless addressing. So, if you have any question related to this, please comment in the comment section. We will address your question in the coming sessions.